हेलो बच्चों, आप लोगों ने तो रबर का बॉल देखा ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, वहाँ से देख लो। एक रबर बॉल और सर्कुलर बैलून, या जैसे कि हम लोग का फुटबॉल, ऐसा टाइप का एक राउंडेड बॉल लेके अगर हम लोग इसके अंदर कुछ लिक्विड डाल देते हैं, जैसे कि मान लो वाटर, ऑयल वगैरह एटसेटर, तो वो डाल देने के बाद इस बॉल को अगर हम लोग टोटली फुलफिल कर देते हैं, फिर उसके ऊपर अगर हम लोग प्रेस करते हैं, तब क्या होता है, उसका अंदर का जो प्रेशर है वो बॉल के चारों तरफ फैल जाता है। अभी तुरंत इसके बाद हम लोग अगर बॉल में कुछ होल कर देते हैं, जैसे कि कुछ सुई या धागा या फिर कुछ पिन से 4-5 या 6-7 या 10-12 होल कर देते हैं, छोटा छोटा होल, फिर उसके बाद हम लोग जोर से प्रेस करते हैं, तब क्या देखते हैं हम लोग कि सारा का सारा होल में से जो पानी है या हम लोगों ने जो लिक्विड दिया था, ऑयल या कोई भी लिक्विड, वो चारों तरफ से निकलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रेस करते हैं सिर्फ दो डायरेक्शन पे, ऊपर नीचे या फिर सिर्फ ऊपर से, लेकिन वाटर जो है या वो लिक्विड जो है वो चारों तरफ से निकलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग अगर कोई भी चीज़ के ऊपर या कोई भी लिक्विड के ऊपर हम लोग प्रेस करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो प्रेशर जो है वो लिक्विड के अंदर चारों तरफ फैल जाता है, वो भी इक्वली, ठीक है। अगर वो पिन से जो हम लोगों ने होल किया था वो अगर सेम साइज का हुआ, तो वाटर का जो स्पीड होगा, वाटर का जो वेलोसिटी होगा निकलने का, वो सारा का सारा हाँ इक्वल हम सेम। लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो साइंटिस्ट पास्कल ने क्या बोला था, अगर हम लोग कोई भी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर लिक्विड के अंदर चारों तरफ इक्वली फैल जाता है, और ये हम लोग अप्लाई करके बड़ा सा बड़ा जो है वजन या फिर वेट जो है वो हम लोग इजीली हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल डाल देता हूँ, फिगर पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो है पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सिलेंडर है और बड़ा सिलेंडर है। छोटा और बड़ा मतलब एक है हम लोग का नैरो और दूसरा है वाइडर। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कम, दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ज़्यादा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका है कम, इसका अगर हम लोग थोड़ा सा वेट या फिर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, जो नैरो सिलेंडर का लिक्विड है वो नीचे दब जाएगा और इसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर ये जो प्रेशर है, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है पूरा सिस्टम में फैल जाएगा, और वाइडर जो है हम लोग का जो सिलेंडर, उसके अंदर जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है उसके अंदर वो फैल जाएगा। फिर हम लोगों ने जितना लिक्विड यहाँ से कंप्रेस हुआ है उतना लिक्विड उस सिलेंडर पे अप होगा, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने से उसका प्रेशर जो है ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग नैरो सिलेंडर पे, मतलब जो पतला सिलेंडर है उसके अगर हम लोग W1 वेट रखते हैं इस पे, और उसका अगर कुछ जो है डाउन होता है, मतलब उसके अंदर प्रेशर के वजह से, W1 प्रेशर के वजह डब्ल्यू से, वन प्रेशर जो के वजह से जो है हम लोगों का लिक्विड जो है वो थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वाइडर सिलेंडर पे जो हम लोगों का मोटा वाला सिलेंडर है उसके ऊपर अगर हम लोग W2 वेट रखते हैं उसका बैलेंस करने के लिए, तो हम लोगों को W2 जो है वो W1 से बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ेगा, और कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा वो डिपेंड करता है हम लोगों का जो वाइडर सिलेंडर का एरिया है उसके ऊपर। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही हम लोग वेट ज़्यादा रख सकते हैं, इन दोनों का प्रेशर जो है वो इक्वल रखने के लिए। तो ये अप्लाई करके हम लोग बड़ा से बड़ा वजन को इजीली हम लोग उठा सकते हैं, फिर कंप्रेस भी कर सकते हैं कुछ चीज़ को, जैसे कि मान लो कपड़े या फिर पेपर, वह सब अगर इंडस्ट्री में पहले, अभी तो हाइड्रोलिक से हो जाता है, मतलब अभी तो हम लोग करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से करते हैं, लेकिन पहले हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हम लोग का खुद का जो एनर्जी है वो अप्लाई करके हम लोग
इंडस्ट्री या फिर कोई भी फैक्ट्री में जो है पेपर वगैरह को कंप्रेस किया जाता था, ये हाइड्रोलिक जो है मतलब पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन से। ठीक है, पास्कल लॉ के ऊपर और भी बहुत सारा वीडियो आएगा, और अगर कुछ जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट में बोल दो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा।